नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एके बी मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के टाइम में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड नहीं रह गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से आगे निकलती नजर आ रही है। बात करें इंडिया की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म की, तो वो है बाहुबली 2, और उसके बाद कोई बड़ी फिल्म है तो वो है 2.0, जो कि इसी हफ्ते रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, 2.0 में जहाँ अक्षय कुमार है, तो अब अजय देवगन कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन एक साउथ की फिल्म में बहुत जल्दी नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो, उस फिल्म का नाम RRR है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले SS राजामौली। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में लीड एक्टर में नजर आने वाले हैं रामचरण और जूनियर NTR। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म में बॉलीवुड की दो हस्तियां भी नजर आएंगी। सबसे पहले तो अप्रोच किया गया है अजय देवगन सर को। अजय देवगन भी इस फिल्म में थर्ड हीरो का रोल करेंगे, यानी कि मेन लीड कैरेक्टर में ही नजर आएंगे। वही दोस्तों, दूसरी खबर यह भी निकल के आ रही है कि यह फिल्म जहां हिंदी डब में रिलीज की जानी है, तो इसे हिंदी डब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करण जौहर, जिन्होंने इससे पहले SS राजामौली सर की फिल्म बाहुबली 2 को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। दोस्तों, करण जौहर तरफ से एक शर्त और दी गई है राजामौली सर को कि मैं इस फिल्म को हिंदी डब में तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म के लिए एक हीरोइन आपको मेरी तरफ से रखना होगा, और वो हीरोइन कोई और नहीं, श्रीदेवी की छोरी यानी जाह्नवी कपूर है। जी हां दोस्तों, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो RRR है, उसका स्टार कास्ट बड़े लेवल पे बढ़ने वाले, क्योंकि फिल्म में अजय देवगन के साथ रामचरण और NTR भी नजर आएंगे, साथ ही साथ बॉलीवुड की हीरोइन यानी कि जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाली है। वैसे दोस्तों, अभी अजय देवगन सर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि वो ये फिल्म कर रहे हैं या नहीं, लेकिन दोस्तों उम्मीद तो लगाई जा रही है कि शायद अजय देवगन ये फिल्म साइन कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है राजामौली सर, उनकी और अजय देवगन सर की काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो राजामौली सर की लास्ट फिल्म बाहुबली के पहले आई थी, उसका नाम था इग्गा, उसको हिंदी डब में मक्खी के नाम से रिलीज किया गया था, और इस फिल्म में अजय देवगन ने अपनी वॉइस भी दी थी। उसके बाद अजय देवगन सर ने SS राजामौली सर की फिल्म का एक रीमेक भी बनाया था, जिसका नाम था सन ऑफ सरदार। तो दोस्तों, इनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। अब देखते हैं कि अजय देवगन इस फिल्म के लिए हाँ करते हैं या ना करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजय देवगन सर को साउथ की फिल्म में जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद।